देवास के अमलतास हॉस्पिटल को 4 जिलों का कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। यहां बुधवार को करीब 7 घंटे तक ऑक्सीजन संकट रहा। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी और उनमें प्रेशर कम होने की वजह से कोरोना मरीजों को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली। मरीज घबरा गए और कई के परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकारी है, जबकि देवास प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड ज्यादा होने से सप्लायर जहां पैसा ज्यादा मिल रहा है, वहां सप्लाई कर कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से अस्पताल को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और मरीजों की जान पर आ रही है। अस्पताल में पेशेंटों की मौत लगातार होती जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप भी लगाते जा रहे हैं उसको लेकर भी। आपका भी निरीक्षण था सर, क्या कहेंगे उसको? आज मेरे द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, तो सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का कहा गया था कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई है, और उसी के लिए मैंने वहाँ जाकर के व्यवस्था की। तो उनके पास 400 सिलेंडर की व्यवस्था है और उनका डेली का कंजम्पशन भी करीब 200 के लगभग का है, और उसके हिसाब से उनको डेली के 200 सिलेंडर्स चाहिए रहे। उनके द्वारा वेंडर से सिलेंडर्स मांगे गए थे। एक्चुअली ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे प्रदेश में सभी जगह पर है, इसीलिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन अनुकूल को सलाह भी दी गई है कि किस मरीज को कितने लीटर ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए, 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाना चाहिए, और उस हिसाब से उनको जो है ना सलाह भी दी गई है। कुछ मरीज जो आईसीयू भर्ती थे, जो नॉन कोविड थे और उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था, किसी को लिवर डिसीज थी, कुछ लोगों को किडनी डिसीज थी, इस तरह करीब वहाँ से 4 डेथ्स का उन्होंने जानकारी दी है, और ये ऑडिट डेथ ऑडिट के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था। उसके लिए डेथ ऑडिट किया जाएगा और वहाँ की व्यवस्थाओं सुधारने के लिए उनको निर्देश दिया गया। जैसे ही मालूम पड़ा प्रशासन को कि ऑक्सीजन की कमी है, हमने अपने स्तर से शासकीय स्तर से उनको सिलेंडर ऑक्सीजन की उपलब्ध कराए, और सुबह 8:30 बजे तक उनके पास ऑक्सीजन, उनकी जो गाड़ी फेल हो गई थी वो आई, और उसके तरफ से उनकी ऑक्सीजन व्यवस्था उन्होंने सुचारू रखी। सर, जिला अस्पताल से भी ऑक्सीजन सिलेंडर गए थे? हाँ, कुछ सिलेंडर्स दिए गए ऑक्सीजन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मरीज की जान को जोखिम में न डालते हुए उनको यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सर, वहाँ कितने पर डे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता रहती है और अभी कितने कम थे वहाँ पे? उनके पास 200 सिलेंडर्स की आवश्यकता रहती है, वर्तमान में उनके पास 156 करीब सिलेंडर थे जब जांच की गई। उनकी गाड़ी आ चुकी थी, कुछ अपने यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध करा दिए गए थे, तो पर डे उनको करीब 200 के लगभग जो है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सर, जैसे आपको निरीक्षण आज किया गया, तो अब सलंग आपको और निश्चित रूप से हम एक टीम बना रहे हैं, हमारे यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की टीम डेली वहाँ जाएगी। सिविल सर्जन को मैंने निर्देश दिए हैं कि एक आदेश जारी करें, दो डॉक्टर्स वहां जाकर के प्रतिदिन वहां का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मध्य रात्रि को मेरे पास कॉल आए थे उन परिजनों के जिनके पेशेंट अमृताज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और सुबह तक ये सिलसिला चलता रहा कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अगर ये सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ जिला प्रशासन को प्रायोरिटी पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, और जिस तरीके का वातावरण देवास में बन रहा है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को अंजाम हम दें। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि क्राइसिस कमेटी कहां है हमारी? क्या केवल क्राइसिस कमेटी दुकान खोलने और बंद करने का ही काम करेगी? और कलेक्टर साहब महोदय से मेरा निवेदन है कि इस तरह की अव्यवस्था जो देवास में फैल रही है उस पर अंकुश लगाएं। मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आम जनता जो हैरान परेशान है बढ़ते हुए हॉस्पिटल्स के बिल, और इस तरह में जब वो जैसे तैसे पैसा लेके लाके देते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन को, उसके बाद ऑक्सीजन से अगर 3 मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं सभी संदेह के घेरे में आते हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए और भविष्य में इस बात को भी ताकीद करना चाहिए कि इस तरह का ऑक्सीजन कभी कहीं खत्म ना हो और सारी सुविधाएं उपलब्ध ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आपको बता दें कि देवास के अमलतास हॉस्पिटल को देवास,
उज्जैन, शाजापुर और आगर मालवा जिलों का कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। न्यूज डेस्क।